नहीं चाची, तन्वी कहीं नहीं मिली। आसपास के सभी गांव में उसे ढूंढ लिया पर वो कहीं मिल ही नहीं रही है। रुद्र ने कहा, तुमने तालाब के पास देखा रुद्र बेटा? संतोष ने कहा, वहां तो अंकल जी हमने कल रात में ही देख लिया था। पीयूष ने कहा, क्या कहा, कल रात में? संतोष ने हैरानी के साथ कहा, बेटा तुम लोग कल रात को तालाब के पास क्यों गए थे? पता है ना, रात में तालाब के पास जाना ठीक नहीं, जेठ जी की भी मौत वहीं हुई थी, ये जानते हुए भी तुम रात में वहां पर चले गए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आयशा ने कहा, सॉरी चाची, मैं भूल गया था, पर मैं क्या करता, कल रात मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने तन्वी को तालाब के पास देखा था। रुद्र ने कहा, क्या कहा, तालाब के पास? अनन्या ने कहा, हाँ, इसलिए हम वहां पर गए थे, पर वहां पर कोई नहीं था, लेकिन वहां पानी के अंदर मैंने जिसे देखा मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा क्या देखा तुमने पानी के अंदर रुद्र बेटा? संतोष ने कहा, पानी के अंदर मैंने छाया को देखा चाचा जी, ये वही छाया है ना जिसका नाम भाभी की आत्मा ने बताया था, और यही मेघ की चुड़ैल भी है ना? संतोष ने कहा, हाँ चाचा जी, ये वही है। छाया का आधा चेहरा जला हुआ था और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, वो भी आधी जली हुई, उसको साड़ी में जलाया गया था ना? हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी यही था कि मेघ गांव में एक औरत को सुहागन के जोड़े में जलाया गया था। आयशा ने कहा, पर क्यों चाची, हर बार सिर्फ यहीं पर आकर हम रुक जाते हैं कि आखिर उसे क्यों जलाया गया था? आप लोगों को नहीं पता क्या कि उसे क्यों जलाया गया था? आप भी तो तब यहीं पर रहे होंगे ना? नहीं बेटा, जिस वक्त उसे जलाया गया था उस वक्त मैं तुम्हारे चाचा के साथ अपने मायके गई हुई थी। चाची, गांव वालों से सुना है कि उस औरत को जलाने में पिताजी का भी हाथ था, क्या ये सच है? रुद्र ने कहा। संतोष और आयशा रुद्र के सवालों का जवाब नहीं देते। चाची बताइए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या छाया को जलाने में पिताजी का भी हाथ था? हाँ रुद्र बेटा, छाया को जलाने में तुम्हारे पिताजी का भी हाथ था। आयशा ने कहा, तो फिर आपने उन्हें ये पाप करने से रोका क्यों नहीं, और उनसे पूछा क्यों नहीं कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर छाया को क्यों जलाया? कैसे पूछते बेटा, घर के छोटों को कभी बड़ों से सवाल पूछने का हक मिला है क्या? तुम्हारे चाचा ने कई बार पूछा जेठ जी से कि उन्होंने छाया के साथ ऐसा क्यों किया, पर जेठ जी ने उनको कभी नहीं बताया, हमेशा उन्हें छोटा ही समझा। तुम्हारे चाचा तो छोड़ो रुद्र, जेठ जी ने कभी दीदी को भी नहीं बताया कि उन्होंने छाया को क्यों जलाया। सही कहा है, सही कहा है किसी ने कि पूर्वजों द्वारा किए गए पाप को उनकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। ना ही पापा छाया को जलाते, ना ही वो चुड़ैल बनकर मेरी तन्वी को गायब करती। पता नहीं तन्वी किस हालत में होगी, वो ठीक भी होगी या नहीं। रुद्र तू फिक्र मत कर, हम तन्वी को जल्द ढूंढ लेंगे, और भरोसा रख वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अतीत हमें ये तो नहीं सिखाता ना कि उस पर पछताया जाए, अतीत तो हमें ये सिखाता है कि उस गलती को दोबारा नहीं दोहराया जाए। अर्जुन ने कहा, हाँ रुद्र, अर्जुन ठीक कह रहा है। समीर ने कहा, स्वाति बेटा जा रुद्र बेटा और उनके दोस्तों के लिए पीने के लिए पानी ले आ। आयशा ने कहा, जी माँ अभी लाई। इतना कहकर स्वाति पीने का पानी लेने किचन में चली जाती है। अजय डॉक्टर माधवी से मिलने के लिए चिरायू अस्पताल आया हुआ था। अजय डॉक्टर माधवी के केबिन में उनके साथ बैठा हुआ था। तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर माधवी ने कहा। क्या बताऊं डॉक्टर माधवी, लगता है कुछ असर ही नहीं हो रहा दवाइयों का। क्या कहा, असर नहीं हो रहा? हाँ हाँ डॉक्टर माधवी, नींद की दवाइयां खाने के बावजूद अच्छे से नींद नहीं आती, और इतना ही नहीं
वो सपना बार बार मुझे दिखाई देता है। क्या कहा? मतलब आपको वो सपने दिखना अभी बंद नहीं हुए? नहीं डॉक्टर माधवी, कभी कभी तो काम करते करते उस बच्चे की आवाजें मेरे कान में गूंजने लग जाती हैं। क्या कहा आपने? आवाजें गूंजने लग जाती हैं, डॉक्टर माधवी ने हैरानी के साथ कहा। हाँ हाँ डॉक्टर माधवी, कुछ समझ नहीं आ रहा इन आवाजों से कैसे छुटकारा पाया जाए। आप फिक्र मत कीजिए, जितना मुझे लगता है ये मेडिकल से ठीक नहीं होगा, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, वही आपको ठीक कर सकते हैं। क्या कहा? साइकोलॉजिस्ट? जी हाँ साइकोलॉजिस्ट। आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट को जानती हूँ जो कि आपको ठीक कर सकते हैं। कौन है वो साइकोलॉजिस्ट और वो कहाँ मिलेंगे? उनका नाम है डॉक्टर प्रताप नारायण और वो अमेरिका में रहते हैं। क्या कहा? अमेरिका में? मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ फिर डॉक्टर माधवी? अरे आप फिक्र मत कीजिए, वो ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट करते हैं, मुझे बस आपका अपॉइंटमेंट करवाना पड़ेगा। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मान जाएंगे। जी ठीक है, फिर आप उनसे बात कर लीजिए और बता दीजिएगा कब आना है, मैं आ जाऊंगा। जी मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। जी। इतना कहकर अजय वहां से जाने लगता है। शाम के 6 बज गए थे। छोटे दिन होने की वजह से अंधेरा जल्दी होने लगा था। अजय हॉस्पिटल के बाहर निकलता है और अपनी जिप्सी स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। अजय जिप्सी चालू करके कुछ दूर ही गया था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसने रास्ते में सड़क के किनारे बिरजू को खड़ा हुआ देखा। अजय वापस अपनी जिप्सी को पीछे लेकर आता है। जब वो पीछे जिप्सी लाकर रोकता है तो देखता है कि बिरजू ही अपनी बाइक के साथ खड़ा हुआ था। अरे बिरजू, तुम यहाँ? अजय ने बिरजू को देखते हुए कहा। अरे बाबू आप? हाँ मैं बिरजू। पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ बाबू, वो हम डॉक्टर के पास जा रहे थे कि तभी यहाँ पर हमारी बाइक खराब हो गई। क्या कहा? डॉक्टर के पास जा रहे थे? पर क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बाबू तबीयत तो ठीक है, बस ये हमारा हाथ थोड़ा चल गया है। बिरजू ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा। बिरजू के हाथ की उंगलियां बुरी तरह से जल चुकी थी और उसके हाथ की स्किन लाल हो चुकी थी। जब अजय बिरजू के हाथ को देखता है तो उससे वो देखा नहीं जाता। अरे ये तो बहुत जल गया है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबू, आप काहे परेशान होते हैं, आप तो दूसरी तरफ जा रहे थे ना। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, उस दिन तुमने मुझे लिफ्ट दी थी, आज मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, हिसाब चुकता? अरे नहीं बाबू, हिसाब तो अब भी चुकता नहीं हुआ है, वो तो हमेशा आप पर बना ही रहेगा। मतलब? कुछ बातों का मतलब नहीं होता बाबू, वो समझनी पड़ती हैं। तुम ना बहुत बातें घुमाते हो बिरजू, चलो जल्दी और बैठो जिप्सी में, इतना जला है पर ऐसा लगता है तुम्हें जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। अब क्या बताएं बाबू, ये तो छोटे मोटे जख्म है। इतना कहते हुए बिरजू अजय की जिप्सी में बैठ जाता है और वो दोनों अस्पताल जाने के लिए निकल जाते हैं। वैसे बिरजू एक बात बताओ, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? अक्सर हाथ तभी जलता है जब किसी को जलाया जाता है, अजय ने कहा। अजय का सवाल सुनकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं और वो घबराने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मन ही मन सोच रहा हो कि ये अजय ने क्या पूछ लिया।